यह खबर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजन शुक्ला को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त इलाज देने का सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मात्र 5 रुपए नहीं होने पर एक बीमार माँ बेटी को अस्पताल से बिना इलाज के लौटना पड़ा। राजन शुक्ला जी, आप स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसीलिए गरीब गुरबों से जुड़ी ये खबर आपको समर्पित है। गरीब आदिवासी वर्ग के लोगों को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज देने का दावा करने वाली आपकी सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पर्ची बनवाने के बाद 5 रुपए कम होने पर एक माँ बेटी को बगैर इलाज अस्पताल से वापस घर लौटना पड़ा। मंत्री जी, आप और आपके जिम्मेदार लोग जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे नजर आती है। यह मामला देवास जिले के नेवावर आयुष्मान आरोग्य केंद्र का है, जहां मां ने अपनी और बेटी के नाम पर इलाज के लिए पर्ची काउंटर पर लाइन में लगकर पर्ची बनवा ली। जब पैसा देने का नंबर आया तो उसके पास मात्र 15 रुपए ही निकले। 5 का सिक्का रास्ते में कहीं गिर गया था। 5 रुपए कम होने की बात पर काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों ने गरीबों का मजाक उड़ाते हुए माँ को खरी खोटी बातें सुनाकर उसको अपमानित किया, जिसके चलते माँ अपनी बेटी के साथ सरकारी अस्पताल से वापस घर लौट गई। ये हुआ, मैंने 20 रुपए लेके आई थी, तो 5 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए थे। तो मैंने मैडम से बोला, मैंने 5 रुपए गिर गए, पर्ची बनवा ली मैंने, 5 रुपए में कम है, तो आप 5 रुपए में 15 रुपए मतलब पर्ची के 5 रुपए कम ले लो। तो बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या हो गया, मैंने सरकारी अस्पताल 5 रुपए तो होते रहेंगे नहीं, तो इन 5 रुपए चल जाएंगे, इनका इलाज कर दो। वो रो रही है, तो नहीं सुना है। फिर मैं गुस्से में क्या करूंगी, मैं पर्ची फाड़ूंगी, मेरे बच्ची का इलाज नहीं होगा तो पर्ची फाड़ूंगी। तो मैंने फाड़ा थी गुस्से में, तो बोले आपकी कंप्लेन होगी या होगी। तो मैंने कहा, आप मेरी कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन कर दो। मंत्री जी, आपके विभाग के क्या हाल है ये आप अच्छे से जानते हैं। इस संबंध में जब अस्पताल के डॉक्टर राहुल से बात की गई तो उनका कहना था कि पर्ची वाला मामला उनके संज्ञान में भी आया है। मंत्री जी, आपके सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति के नाम पर पर्ची का खेल लंबे समय से चल रहा है, जिस पर सरकार के नुमाइंदों का भी कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते गरीब ग्रामीण आदिवासी लोगों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए 10 रुपए देकर इलाज करवाना पड़ता है। पैसे के अभाव में कई गरीब लोगों को बगैर इलाज ही अस्पताल से वापस घर भेज दिया जाता है। विषय में जानकारी मुझे मिली है कि उस पर्ची के मसले में कुछ बहस हुई थी, पर्ची कट रही थी, तो थोड़ी सी हमने पूछा, पता भी करा, तो थोड़ा सा हमारे स्टाफ के द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा बदतमीजी भी कही गई और इस तरह के व्यवहार कहे गए हैं, और 5 रुपये को लेके कुछ मसला है पर्ची कटने का, तो वो हम अभी जानकारी लेंगे कि क्या हुआ था। उस विषय में लिखी थी पूरी लेंगे क्या क्या हुआ था, और उसके बाद ही हम उसका कोई डिसीजन लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।